गलियारों में पिछले कई दिनों से नए मिस्टर बजाज को लेकर चर्चाएं होने लगी हैं। पिछले दिनों ही मिस्टर बजाज के रोल के लिए एक्टर गौरव चोपड़ा और शरद केलकर का नाम सामने आया था, लेकिन अब हमें ऐसी पक्की खबर मिल रही है कि मिस्टर बजाज की भूमिका निभाएंगे एकता के फेवरेट करण पटेल। जी हाँ, लॉकडाउन से पहले आपने देखा ही कि कसौटी में मिस्टर बजाज के रोल में दोबारा एक्टर करण सिंह ग्रोवर की एंट्री हुई, लेकिन अब कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद उन्होंने इस शो में दोबारा काम करने से मना कर दिया है। ऐसे में खबर के मुताबिक करण सिंह ग्रोवर के बाद इस मोस्ट प्रॉमिसिंग रोल के लिए मेकर्स ने शरद केलकर और गौरव चोपड़ा से लेकर करण कुंद्रा तक को अप्रोच किया, लेकिन अब स्पॉट बॉय की रिपोर्ट के मुताबिक करण पटेल के रूप में मेकर्स को नया मिस्टर बजाज मिल चुका है। जी हाँ, एकता ने अपने फेवरेट करण को ही इस रोल के लिए चुन लिया है। आपको बता दें कि करण पटेल इससे पहले भी एकता कपूर के ही शो ये है मोहब्बती में काम कर चुके हैं। इस सीरियल में रमन भल्ला के कड़क अंदाज में करण को काफी पसंद किया गया, और यही नहीं, करण पटेल भी एकता के लिए हिना की तरह लकी मस्कट हैं। उनका आना ही किसी शो के हिट होने की गारंटी होती है। वैसे भी करण पटेल को लोग लंबे समय से टीवी पर मिस कर रहे थे। ऐसे में लॉकडाउन के बाद मिस्टर बजाज के रोल में जब करण पटेल आएंगे तो उनके तड़पते फैंस के लिए तो ये जबरदस्त तोहफे की तरह होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि करण ऐसे कॉन्फिडेंट और पोटेंशियल वाले एक्टर हैं जो मिस्टर बजाज के रोल में काफी वेरिएशन और ग्रे शेड्स लेकर आ सकते हैं। अगर आपको याद हो तो ये पता होगा कि कसौटी के पहले सीजन में रोनित रॉय की जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से ही मिस्टर बजाज का रोल सबके दिलों पर छा गया था। मौजूद वक्त में रोनित रॉय जैसा करिश्मा और एक्टिंग कैपेबिलिटीज अगर किसी में है तो वो जाहिरी तौर पर करण पटेल में कूट कूट कर भरी हैं। ऐसे में जरूर इन्हीं सब फैक्टर को ध्यान में रखते हुए एकता ने करण को चुना, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर कसौटी की शूटिंग कब से शुरू कर सकते हैं करण पटेल, तो सुनिए इसके बारे में। दरअसल ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि अगले हफ्ते से करण पटेल इस सीरियल की शूटिंग शुरू कर देंगे, और रिपोर्ट के मुताबिक उनका लुक करण सिंह ग्रोवर के लुक से थोड़ा अलग भी होने वाला है। यही नहीं, अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कसौटी में कई और मेजर बदलाव देखने को मिलने वाले हैं, जिसके तहत शो में कई नई एंट्रीज हो सकती हैं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस के मुताबिक सेट पर बच्चों का आना मना है। ऐसे में हो सकता है कि मेकर्स इस वजह से सीरियल में कुछ साल का लीप लाने का भी मन बना लें, लेकिन अब ऐसा होगा या नहीं ये देखने वाली बात रहेगी। मगर फिलहाल तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें ये बताइए कि कसौटी में करण पटेल को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, और क्या आपके मुताबिक इस रोल के लिए वो वाकई परफेक्ट चॉइस हैं।